बारा के छिपा बड़ोद से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कांस्टेबल पर डोडा तस्करों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ था। पुलिस ने गाड़ी से 341 डोडा चूरा बरामद किया है। 341 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में आरोपी ने सारथल थाना पुलिस के कांस्टेबल पर फायरिंग की थी और इस फायरिंग में कांस्टेबल बुरी तरह घायल हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने गाड़ी से 341 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने गाड़ी से 341 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। आरोपी ने सारथल पुलिस के कांस्टेबल पर यह फायरिंग की थी। आपको बता दें, कांस्टेबल पर डोडा चूरा तस्करों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ है। तो कांस्टेबल पर फायरिंग की गई बदमाशों के द्वारा। फिलहाल इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ है। आपको बता दें, 341 किलो डोडा चूरा इस पूरे मामले में बरामद किया गया। छिपा बड़ोद से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल पर डोडा चूरा ले जाते तस्करों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कुलदीप। कुलदीप, एक बड़ी खबर आ रही है जहां डोडा चूरा ले जाते हुए तस्करों ने कांस्टेबल पर फायरिंग की। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कांस्टेबल की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और पुलिस का क्या कुछ एक्शन अभी फिलहाल इस मामले पर देखने को मिल रहा है? कुलदीप से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर बारा से आ रही है जहां पर डोडा चूरा ले जाते वक्त तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और इस फायरिंग में एक कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में 341 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। तो बारा के छिपा बड़ोद से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फायरिंग में कांस्टेबल गंभीर घायल हुआ है। पुलिस ने गाड़ी से 341 किलो डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी ने सारथल थाना पुलिस पर फायरिंग की थी।